जो या तो अनएम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयबल है। Thank you friends for having us over. It's a sheer delight and privilege to speak at such a prestigious university and in the company of Pulka Saab, senior colleague of the party. I don't believe in, you know, in a monologue, in one way communication, so I would rather have this as a dialogue. तो आपके सवाल भी आए और हम जवाब भी दें और उस पर चर्चा करें वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। सो आई विल जस्ट टेक अ फ्यू मिनट्स टॉकिंग अबाउट द टॉपिक ऑफ द डे, दैट इज पॉलिटिक्स एंड सोशल एक्टिविज्म और सोशल एक्टिविज्म दैट लीड्स टू पॉलिटिक्स। एंड देन इन द लैटर हाफ आई वुड वांट टू कंसंट्रेट ऑन रादर रिफ्लेक्ट ऑन द अचीवमेंट्स ऑफ आवर गवर्नमेंट इन दिल्ली and what is expected from the political organization that we represent. मैं बात आपको अपने जीवन की एक घटना बताते हुए करना चाहता हूँ। जब मैं लंदन में पढ़ाई कर रहा था तो एक दिन मेरी बुआ ने मुझे अपने घर खाने पर बुलाया और न्यूज़ चल रही थी, वहाँ पर हिंदी न्यूज़ चैनल चल रहा था, वो देख रही थी कि क्या हो रहा है। वो करीब 50-60 साल से वहीं रहती हैं, छोटी थी तभी चली गई थी। तो मुझे कहती है, राघव, वी कैन गेट एवरीथिंग राइट, वी इंडियंस कैन गेट एवरीथिंग राइट, वी आर द बेस्ट इंजीनियर, द बेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, द बेस्ट साइंटिस्ट, हम सब कुछ बहुत अच्छा करते हैं, द बेस्ट एक्टर्स, बट वी कांट गेट आवर पॉलिटिक्स राइट, हमारे पॉलिटिशियंस एकदम खराब हैं। और कहती है पॉलिटिक्स में तो वो आदमी जाता है जो या तो अनएम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयबल है, या उसे नौकरी मिलती नहीं है या नौकरी मिल सकती नहीं है। मैंने कहा बात तो आपसे कह रही बात है कि 2010-2011 की, मैंने कहा अभी तक तो ऐसे ही लगता है। और पॉलिटिक्स हैज एक्चुअली बिकम अ वेरी बैड वर्ड, मतलब कहते हैं कि राजनीति आई है, राजनीति में है तो क्या कर रहा होगा, तो कुछ गलत काम ही कर रहा होगा। पॉलिटिक्स हैज बिकम सच अ बैड वर्ड फ्रॉम व्हाट इट वाज, द पेट्रियोटिक फीलिंग, द फीलिंग एंड द एनर्जी, द एंथुसियाज्म टू work towards a social cause has essentially been reduced to communal corrupt practices. So तब मेरे को एक मेरे दिमाग में घंटी बजी कि ये तो वाकई में, मतलब जो देश में लोग रहते हैं वही नहीं, जो देश के बाहर रहते हैं हिंदुस्तानी, वो भी ऐसे ही सोचते हैं हमारे देश की राजनीति के बारे में। फिर देश की राजनीति में एक क्रांति है, and that was the incorporation of the आम आदमी पार्टी। एक कांग्रेस के बड़े सीनियर लीडर का एक इंटरव्यू है जो मैं काफी बार देखता हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है देखने में। उस वीडियो में मैंने कहा था, जब हम आंदोलन कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा था कि भाई आप लोग बड़ा कहते हैं कि लोकपाल चाहिए, लोकपाल चाहिए, लोकपाल आ जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम लोगों की राय लोकपाल, तो एक काम करिए, पार्टी बनाइए, चुनाव लड़िए, सरकार बनाइए और अपना लोकपाल खुद लाइए। क्यों रोज आप हमें गाली निकालते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, हिम्मत है, काबिलियत है, तो आगे चुनाव लड़िए ना, हमें हराइए, राजनीति करिए हमारे साथ। वो बात और ये आज का दिन गवाह है जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया। चुनाव जीता, पार्टी बनाई, जब पार्टी बनाई तो कहा कि ये लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, इनके पास तो पैसा ही नहीं है, नेता नहीं है, लोग नहीं है, कहां से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव भी लड़ा, कहा था नहीं सरकार को नहीं बना सकते, सरकार कहाँ बनाएंगे, जिनके बस की नहीं है सरकार चलाना, सरकार भी बनाएंगे। फिर क्या सरकार बना तो ली, अब सरकार चला नहीं पाएंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, ये लोग काम भी कर रहे हैं, कहा लोकपाल बची लाएंगे, लोकपाल बिल भी लिया है। तो ये पूरी ट्रांजिशन जो हमारा रहा, दिस एसेंशियली इज परहैप्स आई वुड से इन माय लाइफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सोशल एक्टिविज्म दैट लीड्स टू पॉलिटिक्स और सोशल एक्टिविज्म that is politics, or politics that is social activism. I still don't consider being a part of the Aam Aadmi Party since the very inception. I don't consider this as a political organization. We are still, you know, in that phase of social activism. Or
राजनीति रही है या एक्टिविज्म रहा है डिस्पाइट आवर ओपोनेंट्स हैविंग मसल पावर मीडिया पावर मनी पावर वी हैव बीन एक्सट्रीमली सक्सेसफुल यू नो प्राइमरली बिकॉज वी हैव द सपोर्ट ऑफ द पीपल हमने हर चीज में जो इस लोकतंत्र के असली स्टेक होल्डर्स हैं जो लोग हैं जो जनता है उनसे कंसल्ट करके चुनाव भी लड़े उनसे कंसल्ट करके मैनिफेस्टो भी बनाए और उनसे कंसल्ट कर करके ही सरकार भी चला रहे हैं इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपने दिल्ली में देखा ऑडियंस की आप सब ने उसके बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा सुना होगा अब यू नीड सच अ स्ट्रांग डिटर्मिनेशन एंड करेज टू टेक एन अनपॉपुलर डिसीजन ऑडियंस की जब हम सोच रहे थे कि जागरूक करें कि नहीं करें तो लोग कहते थे कि ये तो आप गलत कर रहे हैं दिल्ली का वोटर है वो आपसे नाराज हो जाएगा आप लोगों की गाड़ियां बंद करा रहे हैं ये तो बिल्कुल ये तो फासिज्म है तो बहुत गलत है आप डंडा राज कैसे कर सकते हैं तो कई प्रकार की बातें हमें सुनने में आई हमें कहा भी है हमने भी सोचा भी क्या हमारे लोग दिल्ली वाले हमसे नाराज हो जाएंगे क्या पर फिर भी इस सरकार ने एक डिटर्मिनेशन और एक करेज के साथ एक मुश्किल डिसीजन लिया ब्यूटिफुली कंसेप्चुअलाइज करा और बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से इंप्लीमेंट करा और ये इंप्लीमेंटेशन में जिस प्रकार से जनता ने साथ दिया द सक्सेस ऑफ ऑडिबल पॉलिसी इज एसेंशियली द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल एंड दैट इज व्हाट द पॉलिटिक्स ऑफ आम आदमी पार्टी इज ऑल अबाउट पीपल पार्टिसिपेटेड दे मेड दिस अ सक्सेसफुल वेंचर दे मेड दिस अ सक्सेसफुल इवेंट एंड आफ्टर दिस सक्सेसफुल कंसल्टेशन वी हैव अगेन वेंट बैक टू द पीपल We are asking them for their suggestions. उनसे पूछ रहे हैं कि अब किस प्रकार से लाया जाए ऑडियंस की को लाया जाए कि नहीं लाया जाए क्या एग्जेम्पशन दी जाए तो एक पार्टिसिपेटरी अप्रोच जो आम आदमी पार्टी के अंदर है और जो आम आदमी पार्टी की राजनीति में है वो नजर आती है दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो सोशल एक्टिविज्म में और हमारी राजनीति में है दैट इज volunteerism and transparency, which is very important in any organization and which lacks in most organizations. Hamari jo organization hai, usme jab humne Delhi mein chunav lada to lagbhag 60-70 hazaar logon ne aakar volunteers ne aakar state bhar se duniya bhar se aakar kaam kara. Kai logon ne apni naukriyan chhodi hain, chartered accountant ho, maine apni naukri chhodi aur ye kaam kar raha hoon. Aaj agar aap aur organizations dekhte hain, usme paid workers hote hain. पैसा लेकर काम करते हैं वैसा इस राजनीतिक दल में नहीं है और हमारे एक्टिविज्म में नहीं और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज ट्रांसपेरेंसी कौन आपको पैसा दे रहा है कहां से आपके संगठन के पास पैसा आता है पोस्टर छपाने का ऑफिस का रेंट देने का कैंपेन करने का रेडियो में ऐड देने का न्यूज़पेपर में इश्तिहार देने का ये सारी जो चीजें हैं जब आप जनता को ये डिस्क्लोज कर देते हैं कि इस व्यक्ति से मैंने इतना इतना रुपए लिया पूरी पारदर्शिता से काम करते हैं वो जनता के अंदर भी पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट देता है और हमें भी सही राह पर चलने के लिए हमेशा गाइड करता रहता है दिल्ली सरकार ने आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले एक साल में और अभी इसी हफ्ते शनिवार को हमें हमारी सरकार को एक साल हो जाएगा हमने जो मुख्य काम करे उस पर मैं थोड़ी रोशनी डालना चाहूंगा बिफोर वी ओपन द शो फॉर डायलॉग एंड क्वेश्चनिंग This government showed that notwithstanding the constant altercations and pressure by the central government, उनके constant attempts कि किसी प्रकार से दिल्ली की सरकार को paralyze कर दिया जाए, इसको काम न करने दिया जाए, इन सब चीजों के बावजूद हमने ये दिखाया कि clear objectives के साथ, transparency के साथ, integrity के साथ, आप एक देश के नागरिक देश के आम आदमी के जिंदगी से जो जुड़े मुद्दे हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं हमने बिजली का वादा करा बिजली के दाम आधे आधे करे हमने कहा कि बिजली कंपनियां पैसा खा रही हैं लूट रही हैं गलत अकाउंट्स बना रही हैं हमारी सरकार बनने के कुछ ही महीने बाद सीएजी की रिपोर्ट ने भी वही कहा कि 8,000 करोड़ का इन लोगों ने निकाला करा पानी की बात आई हमने वादा करा कि हर व्यक्ति को 20,000 लीटर प्रति महीना पानी दिया जाएगा वो हम हर परिवार को पानी दे रहे हैं मुफ्त पानी दे रहे हैं ये कहा गया कि ये तो इकोनॉमिकली इंप्रूवमेंट है इससे पानी का भी वेस्टेज होगा और लोग मुफ्त पानी इस्तेमाल करेंगे बिल भी नहीं भरेंगे आपका डिपार्टमेंट भी लॉसेस में जाएगा और मेरे को बहुत खुशी आपको ये बताने में
हमारी सरकार की जो वाटर डिपार्टमेंट है उसने 176 करोड़ का इस साल प्रॉफिट दर्ज करा है हमारी सरकार ने। ये कहा जा रहा था कि हम पानी बहुत दे रहे हैं तो लॉसेस में चले जाएंगे। दूसरी चीज का ये लोग क्या कर देते हैं कि ये लोग पानी बहुत दे रहे हैं तो इससे पानी वेस्ट होगा। 4 मिलियन लीटर पानी रोजाना दिल्ली सरकार सेव कर रही है। क्लियर ऑब्जेक्टिव के साथ यदि आप काम करते हैं, इंटेग्रिटी के साथ काम करते हैं, तो आप सारे वादे भी पूरे कर सकते हैं और लोगों के रेत से जो इश्यू जुड़े हैं उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। एक एजुकेशन पे अपनी आखिरी बात बोल के अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सब स्टूडेंट्स हैं, पढ़ रहे हैं, 3-4 महत्वपूर्ण चीजें करी हमने। पहली चीज, भारत आजाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी राज्य सरकार ने अपने एजुकेशन का बजट, जो बजट का एलोकेशन होता है एजुकेशन सेक्टर के लिए, उसको दोगुना किया, 106% और उसको बजट का 25% अंक दिया। दूसरी चीज, हमने प्राइमरी एजुकेशन पर इतना फोकस डालते हुए पूरी तरीके से पॉलिसी इंटरवेंशन करके नए प्रकार के करिकुलम भी बनाए और 54 मॉडल स्कूल्स की शुरुआत करी, जिसके अंदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, क्वालिटी टीचिंग, मोस्ट कॉम्पिटेटिव एफिशिएंट टीचर्स, उन सब पे ध्यान देते हुए 54 मॉडल स्कूल तैयार करें और उन्हीं के मॉडल्स पे ये 1100 स्कूल्स को स्केल अप कराया जाएगा। दूसरी एक अहम चीज करी, हमने स्टूडेंट लोन की शुरुआत करी। आज दिल्ली में और पूरे देश में अक्सर देखा जाता है कि बच्चा जब पास हो जाता है स्कूल से और कॉलेज में एडमिशन भी मिल जाता है तो पैसे देने के लिए नहीं होते हैं, फीस भरने के लिए पैसे नहीं होते हैं, और इस वजह से कई बच्चे अपने मनचाहे कॉलेज में या मनचाहे कोर्स में एडमिशन नहीं ले पाते हैं। दिल्ली सरकार ने स्टूडेंट लोन स्कीम लाई जिसमें यह कहा कि किसी भी बच्चे को जिसके पास एडमिशन हो गया है या दाखिले के लिए जो क्राइटेरिया है वो स्टूडेंट ने मीट करनी है तो उसको दिल्ली सरकार के द्वारा इंपैनल बैंक लोन देंगे, उसमें किसी प्रकार की कोई भी गारंटी या थर्ड पार्टी गारंटी या कोलैटरल या कोई जेवरात, कोई प्रॉपर्टी, कोई गाड़ी, कोई आपका एसेट गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ उसकी इंटरेस्ट की रीपेमेंट और प्रिंसिपल की रीपेमेंट जब आपकी कोर्स खत्म हो जाएगा उसके भी 1 साल बाद शुरू होगी और 15 साल तक रहेगी, ताकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं। आप सब देख रहे होंगे कि मनीष सिसोदिया जी जिस प्रकार से एजुकेशन सेक्टर पे ध्यान दे रहे हैं, एक और महत्वपूर्ण चीज उन्होंने इंट्रोड्यूस करी है, उनका ये कॉन्सेप्ट है कि अकेडमिक्स शुड बी लेफ्ट टू अकेडमिक्स और नॉन अकेडमिक्स जॉब जो है, जो कॉलेज को मेंटेन करने की जॉब्स हैं कि भाई बिल्डिंग ठीक है कि नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज, इक्विपमेंट, टीचर्स ठीक है कि नहीं है, वो सारी जो मैनेजरियल जॉब्स हैं वो नॉन अकेडमिक लोग करें, और साथ ही साथ जो पढ़ाई लिखाई के काम है, बच्चों को पढ़ाने का काम, स्टूडेंट्स को नॉलेज इम्पार्ट करने का काम, वो अकेडमिक्स करें। तो ये भी एक शुरुआत दिल्ली सरकार ने करी जो अभी तक किसी राज्य सरकार ने नहीं करी। और आखिरी चीज, दिल्ली सरकार ने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार पे लगाम लगाई है, मुझे आज ये कहते हुए बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं एक ऐसे संगठन से जुड़ा हूं, एक ऐसी सरकार से जुड़ा हूं, एक ऐसे नेता के साथ जुड़ा हूं जिन्होंने अपनी कैबिनेट में बैठे एक मंत्री जिसके खिलाफ कुछ सबूत आया किसी से पैसे मांगने का, कुछ भ्रष्टाचार अटेम्प्ट करने का, उस मंत्री को अपने खुद एविडेंस लेकर, एविडेंस का संज्ञान लेकर उसको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करा। कोई ऐसा देश में ऐसी पार्टी, ऐसी सरकार नहीं है जिसने अपनी मंत्री के साथ ही ऐसा करा हो। लोग कहते हैं आपसे चूक हो गई होगी, आपने इस प्रकार के मंत्री को मंत्रिमंडल में पद दे दिया, बात बोलने में चूक हो गई नहीं होगी, बात यह है कि हमने उसको अपने मंत्रिमंडल से निकाल दिया। आज कई मंत्री बैठे हैं, पंजाब सरकार में बैठे हैं, राज्य अन्य राज्य सरकारों में बैठे हैं, केंद्र सरकार में बैठे हैं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप है, परंतु उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो ये जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन जो दिल्ली सरकार ने दिखाया, वो अपने आप में जो हमारा कमिटमेंट है, जो हमारा पॉलिटिक्स है, जो हमारा सोशल एक्टिविज्म है, उसके लिए जो हमारी जो भावनाएं हैं, जो हमारा मुख्य ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए पार्टी बनी थी,
वो दर्शाता है उसकी कमिटमेंट दर्शाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं उम्मीद करूंगा उनका साथ। ਮੈਸ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਈਏ।
सुना देंगे। चलो मैं तुम्हें सुना रहा थी दिल्ली में 1981 में गया, 1984 में मेरी जान बच गया, मेरी अपनी जान बड़ी मुश्किल बची। उस तो मगरों मेरा परिवार मेरा ब्याह भी हो गया सी मेरे घरों, उन्होंने पीएचडी की थी लुधियाने यूनिवर्सिटी तो उसे पढ़ाते भी सी, उन्होंने भी नौकरी छड़ के दिल्ली चले गए थे। बड़ा प्रेशर पिया सारे घर का कि इतने वापस आ जाओ, असं वापस भी आ गए। समान चुकने दिल्ली गए, एक तकरीबन 20 नवंबर की गल आ, उत्थे मैंने कोर्ट में कहा सुप्रीम कोर्ट के कि जी रिलीफ कैंप वाले वकीलों की लोड़ है। तो मैं क्या मैं दसो कितने जा साढ़े सीनियर एडवोकेट होंगे हरदेव सिंह, उन्होंने को मैं चला गया, उन्होंने मैंने रिलीफ कैंप में भेजा और ऐसे कैंप में भेजा जिथे इस कैंप के सिर्फ औरतों के बच्चे थे, कोई भी उत्थे विवेक कोई बंदा उसे जिंदा छड़ा है। उसे लोग पूरी दे ब्लॉक 30-32 दे कैंप से उसे उन्हें कैंपा ने संबंध दे वास्ते एक संस्था सी नागरिक एकता मंच जो कि एक कई सोशल एक्टिविस्ट जो उसे सी प्रोफेसर जर्नलिस्ट वो सारे इकट्ठे हो गए। जो एक कतलेआम हो रहा सी ते उदो उन्होंने सारे ने 1 नवंबर को जगह जगह से जाके बड़ी कोशिश की, उन्होंने जेठ प्राणी भी थे, उन्होंने जस्टिस तार कुंडे भी थे, बड़े लोग से वो जो नहीं रोक सके तो उन्होंने इकट्ठे होकर रिलीफ कैंपा में संबंध का फैसला किया। उत्थे उन्होंने पीड़ितों के वास्ते कोई उन्होंने एफिडेविट बनाने कंप्लेन लिखने के कोई वकील नहीं, वो जिहड़े उत्थे वॉलंटियर सन उन्होंने मैंने कहा कि वकील की इतने बड़ी लोड़ है, वे तुम इतने आ गया करो थोड़ा ज्यादा आया। मैं उन्होंने उत्थे वादा करके आया तो उसी दिन घरे आके मैं अपनी वाइफ ने गल की, मैं कह जी इस वेले इसे छड़ के भज गए ना सारी जिंदगी भर माफ नहीं कर सकता, तो हम ये भी तो बैठे ना जिनका कुछ बचिया नहीं सब कुछ ही लुटिया हुआ, तो उसी दिन फैसला करना लगे थे। और रीफ कैंप के जिन्हें लोग काम कर रहे थे उन्होंने नालों एक्टिविस्ट नाल और सोशल एक्टिविस्टा मेरा बात हुआ, कोई जो प्रोफेसर कोई जर्नलिस्ट कोई स्टूडेंट और जिमें जिस तरीके तो काम कर रहे थे पूरा जोर शोर से उसे पूरी सेवा कर रहे थे, उन्होंने देख के वह बहुत तगड़ा प्रभाव दे। मगरों जो नवंबर 1984 जी मैं एक केस करने शुरू कर दिया, दिसंबर 1984 जी मैं पहला केस किया हाई कोर्ट के। चलो मैं अपनी कहानी सुन लग गया, मैं कट शॉर्ट करना। उदों तो ही लाके लगातार मैं इस पासे पिया और मेरा वाह लगातार उन्होंने लोगों चलता रहा जेडे कि सोशल एक्टिविजम बिलीव करते थे, सोशल वर्कर से और सब तो उपर इंसानियत को रख, सब तो उपर इंसानियत, कोई धर्म कोई जात कोई पात सब उस तो इंसानियत थे, उन्होंने मेरा वाह पिया। मैं कह रहा दिल्ली से पर पंजाब की हालत देख के ना दिल बड़ा तड़फता रोंदा। अगस्त साल पहला मैं लगातार पंजाब के आके काम करने शुरू करते, पहला तो मैं खुद एक पिंड के सरकारी स्कूल चो मैं दसवीं की है, पहला तो सरकारी स्कूल के बच्चों की एजुकेशन का काम, वो एक ट्रस्ट बनाया ज्ञान सेवा ट्रस्ट, दिल्ली तो असं फैकल्टी लेके आए इतने पी एम टी की कोचिंग पी एम टी जी ए आई टी की कोचिंग के वास्ते फैकल्टी शुरू की। 2008 तो असी शुरू कर दिता से सैटेलाइट के थ्रू एजुसैट के थ्रू, जे उदो थोड़े जो कोई सरकारी स्कूलों हो गए जिसे एजुसैट सीगा कोई जी सरकारी स्कूलों एजुसैट बारे तो तुम देखा होगा कि क्रैश कोर्स चलता से दिसंबर जनवरी के क्रैश कोर्स की टीचर फैकल्टी सारे अभी दिखते थे, दिल्ली टीचर आते थे बाद चंडीगढ़ और अभी फ्री देते
ये करके अब 2013 तक 13-14 तक तो चलिया वो, और अखीर में भी आके 600 तो ऊपर सरकारी स्कूलों के बच्चे वो चल रहे हैं। उसके बावजूद उदू मगरों फिर नशिया को देख के जो IGPC का इलेक्शन सी, IGPC के इलेक्शन के वेले मुहिम चलाई गई तकड़ी कि नशे इलेक्शन के वरते जाने चाहिए। असी एक सर्वे किए रीडक्शन सेंटर ने जितों पता चलिया कि पहली बार जो नशा करना शुरू किया इन्होंने वो इलेक्शन के जहाँ तो इस करके क्या इलेक्शन के नशे में रोकया जाए। वह IGPC इलेक्शन पहला कंपेन चलाई मगरों जो 2012 के असैम्बली इलेक्शन से जो सारे ही अपने अपना लगे हुए थे अपनी पार्टी को जिताओ अपने यार दोस्तों को जिताओ उदों असी एक सिविल सोसायटी अगेंस्ट ड्रग्स पंजाब एक मूवमेंट खड़ी की थी। जस्टिस सज्जन ते कुलदीप नैयर नूं मैं नाल लिया ते इलेक्शन कमीशन के नाल टाई अप करके आगे इत्थे पंजाब दे विच 800 किलोमीटर लंबा मार्च लगा नाल दी नाल एक हॉटलाइन दिती वो नंबर मेरे कोल हुंदा सी 24 घंटे और उस हॉटलाइन के थ्रू 100 तो उपर असी रेड करवाए पंजाब दे विचों 2012 दे असैम्बली इलेक्शन काफ़ी फर्क पिया दे नाल नशे रोकण दे विच जो कर रहे थे यह काम ही कर रहे थे करते करते जो बड़े लोग कहते पॉलिटिक्स चौक पॉलिटिक्स चौक तो मैं हमेशा कहता सी कि इन पार्टियों के मैं एडजस्ट नहीं हो सकता जो ये काम करते हो कर नहीं सकते। उदो जिमें राघव जी ने तुम्हें दसिया उदो एक मेरे वर्ग के सोशल एक्टिविस्ट कट्ठे हुए उन्होंने कट्ठे होके जो दूजिया पार्टियां ने चैलेंज किया कि यह बाहर बैठ के रौला पाना सौखा जे तुसी तुहाडे च दम है तो आजो इलेक्शन लड़ो पार्टी बनाओ उन्होंने कुछ सोशल एक्टिविस्ट उठे जिन्होंने उठ के चैलेंज को एक्सेप्ट किया हर जोर फेस किया कि आ लो फिर असीं इत्थे गए और उन्होंने पार्टी बनाई और अब जो मतलब कि वो कोई मैं कहना देखो हाल की थी उन्होंने एक पार्टी ऐसी पार्टी बनाई जो एक अलग किस्म की पार्टी एक सोशल एक्टिविस्टा की पार्टी जेड़े थोड़े जो हिस्ट्री के स्टूडेंट ने उन्होंने मेरा ख्याल देखा होगा ये साढ़े को पहला अज तो 50 साल पहला और खास करके प्री इंडिपेंडेंस एरा उदों के सी के जो सोशल एक्टिविस्ट है वही पॉलिटिक्स के बच्चे जो पॉलिटिक्स को सोशल एक्टिविज्म अगू चलाया जाता सी पर हौली 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 इन्नी डिग्रेडेशन पॉलिटिक्स के बच्चे आ गई कि सोशल एक्टिविस्टा मुद्दा कट के बिल्कुल बाहर खाता क्या जो तुम सेवा करिए तो पास भी करो इतने आना काम तो पॉलिटिक्स का तक सब तो वही डिग्रेडेशन जो पॉलिटिक सोशल एक्टिविस्टा पॉलिटिक्स तो परे किया 1975 के जो एमरजेंसी उस टाइम के उत्ते बहुत से लोग जो कि सेवा पा वाले से उन्होंने देखा इन्ना गंद इन्ना तशद्दुद जेकर यही पॉलिटिक्स होना तो असी ऐसी पॉलिटिक्स नहीं करनी और JDP ने बड़ी कोशिश भी की सुधारन की पर वो एक्सपैरिमेंट कामयाब नहीं हो उस तो मगरों 1984 के जो कतलेआम मगरों पॉलिटिक्स क्रिमिनलाइजेशन भी आ गई वो बड़े बड़े क्रिमिनल उन्होंने सोचा वो जे डायरेक्टर के संजय कुमार वाले अगे 100-100 बंदों मार के जाके उसे मिनिस्टर बन के बैठ सकते मैं तो 10 कतल ही किए मैं क्यों नहीं बन सकता यह पीले करके इतने क्रिमिनल भी बिच आ गए। उस
उस तो मगरों 1987 का एरा जिसका छोटे हो पढ़ो हिस्ट्री 1900 लेट 80 का एरा राजीव गांधी का एरा जो बोफोर्स स्कैंडल हो गया डिफेंस डील के बीच भी कमीशन और लागे उथे भी कमीशन खान लागे जो कि कदे पहला किसी ने सोचा नहीं थी कि डिफेंस डील के बीच भी कमीशन खाता करेगा वो एरा आ गया वो एरा के लगातार डिग्रेडेशन पॉलिटिक्स की हुंदी गई और हौली हौली आगे पॉलिटिक्स च एमरजेंसी की तानाशाही पॉलिटिक्स 84 का क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स के विच बोफोर का लंबा में सब कुछ पॉलिटिक्स चल गया और एक ऐसी पॉलिटिक्स बन गई कि सोशल एक्टिविज्म बिल्कुल पासे साइड पे हो गया सोशल एक्टिविस्ट बिल्कुल पॉलिटिक्स पासे हो गए एक पॉलिटिक्स तल्ला बन गया एक माफिया बन गया एक बिजनेस बन गया इन्वेस्टमेंट करो पैसे लाओ और ऐसी इन्वेस्टमेंट कोई किसी बिजनेस की नहीं मिली जैसे 10 करोड़ जाना कटो इलेक्शन की तुम 5 करोड़ लाओ 50 करोड़ कटो कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो कि इन्होंने बना के फिर एक मूवमेंट उठी एक मूवमेंट उठ के अन्ना मूवमेंट तो शुरू हुई केजरीवाल ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया वो जाके नौजवानों को जगाया वो नौजवानों को उठाया कि तुम कुछ कर सकते हो नौजवान तबका उठा इंडिया का यूथ और पंजाब का यूथ उठा और भगत सिंह की स्पिरिट फिर यूथ ने बचाई कि अज के काले रात गोरिया असी इतों कट के हटा गए और उसका रिजल्ट अब देखो सैंपल असी पंजाब में दिखाता सी और दिल्ली के बीच जो करके दिखा रहा मैं हमने इतने मीडिया वालों को कह रहा सी जो कहते सी तकोना कंटेस्ट होएगा मैं क्या तकोना कंटेस्ट नहीं होएगा कंटेस्ट सीधा होएगा और कंटेस्ट होएगा एक पृष्ठ माफिया रेड लाइट वीआईपी कल्चर सिस्टम ने एक पास
ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਔਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚ ਲਿਓ ਕਿ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਫੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿਓ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਲੋਗ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਖਤਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਡਾਇਲੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਡਾਇਲੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਉੱਥੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਦੜਕ ਨਿਦੜਕ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਕੋਮੇਂਟਰ ਮਾਰਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਨਾਲ ਕਰਦੇ